आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स इन बिहार। ये आपका वन लाइनर रहेगा जो कि वन डे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ये जो भी मैंने प्रीवियस आपको कराया था वो सभी सब्जेक्टिव थे, जो कि आपका बीपीएससी मेंस में रिटर्न में वो आपका उसके लिए वो सही था। ये जो रहेगा ये वन लाइनर है जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इसमें से आपके आ सकते हैं। पहला है आपका मोनूमेंट्स टॉम्ब ऑफ शमशेर खान, ये आपका शमशेर नगर औरंगाबाद में है। एंशियंट साइट ऑफ विक्रमशिला मोनास्ट्री, जो विक्रमशिला मोनास्ट्री है जो एंशियंट टाइप का, वो आपका है भागलपुर में। एक लोकेलिटी है जहाँ का जो लोकल एरिया में होता है वो ये आपका डिस्ट्रिक्ट है, तो ये अंतिचक में है भागलपुर में। एक है आपका रॉक टेंपल, ये आपका है गोलघोंग, ये भी भागलपुर में है रॉक टेंपल। पतालपुरी केव एंड लैंड एडजॉइनिंग, पतालपुरी केव जो है आपका ये माधोरामपुर भागलपुर में है। बटेश्वर केव, ये केव जितने हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये केव से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछता है। प्रीवियस ईयर आपको हम यूजीसी नीट जो हिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ था पेपर में, उसमें बिहार के जो बराबर केव हैं उसमें बहुत सारे केव हैं, उससे तीन चार का एक ऑप्शन वाइज क्वेश्चन पूछा था, तीन चार केव दे दिए थे जैसे ऑप्शन वाइज आपका आंसर देना था, तो ये केव बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका। एक है आपका बटेश्वर केव, प्रतापगढ़, ये भी आपका पड़ जाएगा वहीं। रॉक स्कल्पचर है आपका, ये भी भागलपुर में पड़ेगा। एंशियंट माउंट जिसको बोलता जाता है ये आपका बक्सर में है, एंशियंट माउंट। रिमेन्स ऑफ एंशियंट फोर्ट ऑफ पचरुखीगढ़, ये आपका पड़ेगा मधुबनी में। लोकली इसको जाना जाता है राज बाली का घर। रीन फोर्टेस चानकीगढ़, ये आपका चानकीगढ़ वेस्ट चंपारण में है। एक है रैमपार्ट फोर्ट एंड स्तूपा एट नंदनगढ़, ये आपका पड़ेगा वेस्ट चंपारण में। एक है रीन फोर्टेस ऑफ नंदनगढ़, ये आपका मारिया वेस्ट चंपारण में है। एक वैदिक ब्यूरियल माउंट्स है, ये आपका पड़ेगा वेस्ट चंपारण में, दोनों वेस्ट चंपारण में है, लेकिन जो लोकली है वो एक जगह अलग अलग पर है। फोर्ट रिंस टैंक एंड स्तूपा, ये आपका तागिर्द ईस्ट चंपारण में है। बुद्धिस्ट स्तूपा जो है ये आपका ताजपुर, ये आपका पड़ेगा ईस्ट चंपारण में। अशोक कॉलम नोन एज लोअर पिलर, अशोक का एक कॉलम था जिसको हम लोअर पिलर के नाम से जाना जाता था, जिसको लोरिया अधिराज है, एक जगह है ये आपका ईस्ट चंपारण में है। अशोक का है लोरिया नंदनगढ़, भी वेस्ट चंपारण में है। एक वैदिक ब्यूरियल माउंट्स है वो पड़ेंगे वेस्ट चंपारण में, आपका पड़ेगा लोरिया नंदनगढ़। अशोका कॉलम रामपुरवा है, ये भी वेस्ट चंपारण में है। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो भी अशोका से और बुद्धिज्म से जो रिलेटेड मोनूमेंट्स हैं, केव हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका है। स्कल्पचर ऑफ वेरियस हिंदू ड्यूटीज काफ ऑफ द साउथर्न एंड ईस्टर्न केव्स ऑफ संबरोक एंड बोल्डर ऑफ कोदवालो हिल से आपका गया में है, गया में है। वेरियस हिंदू ड्यूटीज इसमें क्या हुआ है, कार्व किया हुआ है, बनाया हुआ है जो राउंड बॉर्डर सेपरेट बाय द डिस्टेंस ऑफ 12 फीट फ्रॉम द साउथर्न कॉर्नर ऑफ द
कोदो वाले हिल, ये भी आपका गया में है। ये है सभी गया में, लेकिन सभी का जो अलग अलग दिया हुआ है कि किसमें क्या है फीचर्स, जैसे स्कल्पचर ऑफ वेरियस हिंदू डिटीज का और नॉर्थन ईस्टर्न फेस में जो काट करके बनाया हुआ है, ये भी आपका गया में है। इसमें है फोर हिंदू डिटीज अराउंड द ईच साइड एंड बिलोंग टू द आइसोलेटेड बोल्डर, तो ईस्ट ऑफ द कोवादोल हिल्स गया में है। एक होल ऑफ द एंशियंट रूइन ऑन विच देयर इज ए कोलोसल स्टैचू ऑफ बुद्धा, बुद्धा का बहुत बड़ा स्टैचू है इसमें, एंड फ्यू लूज स्कल्पचर है, 13 सैंडस्टोन पिलर्स हैं। ये आपका कुरिसारी में है गया में। द एरिया जनरली नोन एज गढ़ कुरिखर में है ये गया। एंशियंट बुद्धिस्ट इमेज एंड अदर इमेज एंड स्कल्पचर कलेक्टेड अंडरनीथ ऑन द शेड ऑफ एंशियंट माउंट एंड द वैली इज नोन एज द हर्षा कोल। ये आपका विष्णु पुत्रावा हर्षा जगदीशपुर या गया पड़ेगा। एंशियंट मॉन्यूमेंट नोन एज द शोभनाथ, ये भी आपका गया पड़ेगा। शिवा टेम्पल गया में है। एंशियंट अस्तूपा एंड अदर रिमेन्स लोकली नोन एज सुजातगढ़, ये आपका बकरूर गया में पड़ता है। एंशियंट बुद्धिस्ट इमेज एंड स्कल्पचर कलेक्टेड अंडरनीथ शेड ऑफ, वो आपको पड़ेगा कहाँ, खेजान जहानाबाद में है। ये जितने भी केव हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट केव ही है। गोपी केव ये आपका बराबर एंड नागार्जुना हिल जहानाबाद में पड़ता है। करण चौपार केव ये भी आपका वहीं पड़ेगा। लोमास ऋषि केव, सुदामा केव, वदा थीका केव एंड वापियाका केव, ये सभी आपको जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। सभी ये बराबर और नागार्जुना हिल्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट एंशियंट मोनोलिथिक पिलर नोन एज लाट, एक मोनोलिथिक पिलर था जिसको लाट के नाम से जाना जाता है, ये लाट आपका जहानाबाद में मिलेगा। अशोका कॉलम कोल्हुना ये आपका मुजफ्फरपुर में है। रिमेन द रैमपार्ट एंड द माउंट ऑफ द कमांड नोन एज द क्वीन पैलेस, या फिर किला के नाम से जाना जाता है, ये आपका बिहार शरीफ में है नालंदा। टॉम ऑफ मालिक इब्राहिम बायू बिहार शरीफ नालंदा में है। एंशियंट रिमेन नोन एज गढ़ गोरा कटोरा ऐसा नाम है, नालंदा में पड़ता है आपका। ऑल माउंट स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग एंड इनक्लोज इन द एक्वायर्ड एरिया, ये आपका नालंदा में है। एंशियंट माउंट ये आपका बारागांव नालंदा में है। स्टैचू ऑफ बुद्धा जगदीशपुर ये भी नालंदा में पड़ेगा। ऑल एंशियंट स्ट्रक्चर एंड अदर मोनूमेंट्स एंड द एंशियंट स्ट्रक्चर ऑल आर्टिफिशियल एंड साइंस एंशियंट रिमेन्स विच आर सिचुएटेड विद इन द डिस्टेंस एंड हाल्फ ऑफ द माल सेड टू बी एंशियंट सिटी इज नोन द ओल्ड एंड राजगृह। वॉल्स ऑफ द टू एंशियंट सिटी इज नोन एज एन ओल्ड एंड न्यू राजगृह, राजगीर में है नालंदा में है। इस टाइप का एक फीचर है जो आपको पाया जाता है राजगृह में, नालंदा में पड़ता है। स्कल्पर एनी मेजर दतियाना पटना पड़ता है। द ग्रोव नोन एज बुलंदी बाग, ये बुलंदी बाग पटना में है। द माउंट और द स्तूपा नोन एज छोटी पहाड़ी, ये आपका पटना में है। सपोज साइट ऑफ पैलेस ऑफ अशोका, अशोका का जो पैलेस है आपका कुम्हरार पटना पाया जाता है। रिमेन्स ऑफ वुडन फाउंडेशन एंड एंशियंट मौर्यन वॉल्स, फाउंडेशन और एंशियंट जो मौर्यन वॉल्स थे जो
बचे हुए थे ये आपका संदलपुर पटना पाया जाता है। मौन नोन एज द फाइव अस्तूपा और पंच पहाड़ी, मौन इसको फाइव अस्तूपा या फिर पंच पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये आपका पहाड़ी डी पटना में पड़ेगा, ये पहाड़ी डी पटना में। एवोल्यूशन टैंक या फिर मीर अशरफ जमा मॉस या पुक्का बेग आपका पटना पाया था। टॉम ऑफ शाह मखदूम दौलत मनेरी इब्राहिम खान मनेर पटना डिस्ट्रिक्ट में है। कुछ टैंक है मनेर में जो कि पटना में ही भी आता है आपका टैंक। एंशियंट मॉन एंड द रियून ब्रिक वॉल एंड टुगेदर विद द एडजेसेंट लैंड कंप्रीजिंग ए पार्ट ऑफ द सर्वे प्लॉट नंबर 43 मनेर भी आपका पटना में पाया जाता है। मनेर का जो एरिया है कोई सूफी संत के लिए है, फेमस है, उसी सूफी संत के बारे में ये दिया गया है कंप्लीट। एंशियंट माउंट बक्सर में है। टॉम ऑफ हसन शाह सूरी ये सासाराम रोहतास में है। टॉम ऑफ शेर शाह सूरी ये सासाराम में है। रोहतासकर पोड़ आपका रोहतासकर में पड़ेगा। टेम्पल ऑफ मुंडेश्वरी देवी, ये सब जो टेम्पल है इम्पोर्टेंट है आपका पौरा कैमूर में पाया जाता है। बख्तियार खान का टॉम आपका मिलेगा कहाँ, मलिक सराय कैमूर में। थ्री रॉक एस्क्रिप्शन एडजेसेंट टू ए तारा चांदी टेम्पल ये सासाराम में है। एंसेस्ट्रल हाउस ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये आपका जीरादेई सीवान में है। रिमेन्स ऑफ एंशियंट सिटी मंजही ये आपका सारण में है। जामी मॉस खाजीपुर वैशाली में है। रेलिक अस्तूपा इम्पोर्टेंट है, हारपुर बसंत आपका वैशाली में पड़ेगा। राज विशाल का घर ये वैशाली में है आपका। कन्हैया जी का मंदिर ये आपका किशनगंज में पड़ता है। तो ये इम्पोर्टेंट आपके आर्कियोलॉजिकल साइट जो केव्स थे उस मोनूमेंट्स थे जो वन लाइनर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इम्पोर्टेंट आपके इस बुक में मेंशन किया होता। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।